हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गट्टू गधा, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो रेडी हो आप सब? सबसे पहले शब्दों के अर्थ। व्यापारी मीन्स सामान बेचने खरीदने वाला, सामान मीन्स चीजें, अचानक एकदम सडनली, बोझ मीन्स भार, जानबूझकर अपनी मर्जी से। नेक्स्ट है पाठ बोध, प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक ओरल क्वेश्चन है, यानी आपको बोलकर बताना है। गट्ठरों की पीठ पर जब नमक था तो वह क्या सोच रहा था? तो गट्ठरों की पीठ पर जब नमक था तो वह सोच रहा था कि मालिक ने ये क्या खरीद लिया है जो इतना भारी है। सेकेंड है जब व्यापारी ने गट्ठरों की पीठ पर रुई लादी तो उसे कैसा लगा? आंसर होगा जब व्यापारी ने गट्ठरों की पीठ पर रुई लादी तो वह खुश हो गया, उसे अच्छा लगा क्योंकि रुई हल्की थी। नेक्स्ट रिटन क्वेश्चन है, व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? तो उत्तर होगा बाजार में नमक का दाम बहुत कम हो गया था, इसलिए व्यापारी ने बाजार से नमक खरीदा। सेकेंड है क्या गट्टू पहली बार नदी में जानबूझकर गिरा था? नहीं, गट्टू पहली बार नदी में जानबूझकर नहीं गिरा था। पानी में जाकर रुई भारी क्यों हो गई? आंसर होगा रुई पानी को सोख लेती है, सोख लेती मीन्स ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए वह पानी में जाकर भारी हो गई। नेक्स्ट है सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। व्यापारी के पास क्या था? कुत्ता, गधा, बिल्ली? आंसर होगा गधा। गट्टू कहाँ गिरा? गड्ढे में, पानी में, सड़क पर? पानी में। गट्टू का बोझ कम क्यों हो गया? नमक के घुलने से, पानी में गिरने से? आंसर होगा नमक के घुलने से। वाक्य पूरे करो, मीन्स कंप्लीट द सेंटेंस। नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था, यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। रुई पानी भरने से भारी हो गई, बोझ कम हो जाने से गट्टू खुश हुआ। नेक्स्ट है मूल्य परक प्रश्न, मेहनत करना क्यों अच्छा है? स्माइली बनाकर बताओ। तो मेहनत करने से हमारा काम हो जाता है, खुशी मिलती है, हम नई नई चीजें सीखते हैं, है ना? तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हमारा काम हो जाता है, करेक्ट। खुशी मिलती है, राइट। काम करना सीखते हैं, ये भी करेक्ट है। दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, मीन्स दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, करेक्ट। अच्छा नहीं लगता है, नहीं ये रॉन्ग है। चुस्त रहते हैं यानी फिट रहते हैं, तो ये राइट है। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान, इनमें से कौन समूह से अलग है? यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं, जो जिनमें से एक वर्ड जो है वो डिफरेंट है, उस ग्रुप का नहीं है, उसे आपको अलग कर कर लिखना है। तो यहाँ है गधा, घोड़ा, गाय, ऊंट, मछली। तो ये सारे एनिमल जो है वो जमीन पे रहते हैं, लेकिन मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो ये ग्रुप से अलग हो गई। नेक्स्ट है आलू, टमाटर, गाजर, आम, पालक। आम को छोड़कर यहाँ सारे वेजिटेबल्स हैं, सब्जी है, तो आम क्या है? फ्रूट है, तो वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल, गुलाब, नीम, लिली, चमेली। तो नीम मेडिसिनल प्लांट है और सारे जो दूसरे हैं वो फ्लावर हैं, तो यहाँ पे नीम आएगा। नेक्स्ट है मे या मैं लिखकर खाली जगह भरो। तो आपको देखना है सेंटेंस पढ़कर कि वहां मैं आना चाहिए या मैं। गट्टू रास्ते में सोचता जा रहा था। नेक्स्ट है मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूं, यह तो इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। नेक्स्ट है नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था। यहाँ रू और रू के शब्द लिखो। पहले भी मैंने बताया है यहाँ र पे छोटी उ की मात्रा है और यहाँ र पे बड़ी उ की मात्रा है। सारे लेटर में हम उ की मात्रा नीचे लगाते हैं, लेकिन र ऐसा लेटर है जिसमें हम उ और उ की मात्रा साइड में लगाते हैं। तो रुई रू अक्षर वाला शब्द है, रुपया रुकना।
और रू अक्षर वाला शब्द कौन सा है? रुमाल, गटरू, अमरूद। पढ़ो समझो और लिखो। रास्ता, तो हम इसे वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं, यानी हम लेटर को अलग अलग करके लिखते हैं ऐसे। तो रा प्लस आधा स, हाफ स को हम स पे हलंत लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं हलंत। तो स हलंत प्लस ता। वैसे ही हम व्यापारी को कैसे लिखेंगे? व हलंत प्लस या प्लस पा प्लस री। यहाँ हाफ क है तो हाफ क को हम लिखेंगे क हलंत प्लस या। बस्ता में ब प्लस स हलंत यानी हाफ स ता, बस्ता। नेक्स्ट है विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी चीज पानी में घुल जाती है और कौन सी नहीं? तो जब आप ये करके देखना घर पे, चीनी जब आप पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगी, रेत यानी सैंड को पानी में डालोगे तो वो नहीं घुलेगी, नमक सॉल्ट घुल जाएगा पानी में, और पत्थर क्या घुलती है? नहीं, पत्थर भी नहीं घुलेगी पानी में। बात करो अंत में गटरू को क्या समझ में आया, तो अंत में गटरू को समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, मूर्खता का काम किया है ना, क्योंकि उसने रुई लेकर वह पानी में गिर गया और रुई भारी हो गई। गटरू कैसा था? तो क्या गटरू समझदार था? नहीं, गटरू मूर्ख था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।